धीरे धीरे अगर गैंडा ऐसे ही न रहे तो हमारे पास गैंडे या आगे की पीढ़ी को बताने के लिए नहीं रहेगा। আমার কাছে এটা একটা বিরাট গর্বের ব্যাপার, আমি প্রাউড ফিল করি এখানে কাজ করতে পেরে। যেনেকা প্রত্যেক জীবর মানে জিয়াই থাকা অধিকার আছে, প্রত্যেকে আমি নিজাক ভাবিব লাগে গড় জিয়াই রাখার কারণে। তো কুছ আমারে পাস পুরানে হাতি থে জো গায় ভাইসো কো দেখতে রহতে থে, উসকি ওজে সে ও জব গেন্ডা দেখা তো ডরে নহি গো হাতি। উন হাতিও সে মনিটরিং কা কাম জারি রাহা। और जो हाथी 10 हाथी कर्नाटका से लेकर आए थे, सामने लेकर के गए तो गैंडा एक आवाज़ निकालता फप 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 फप, तो उस हिसाब से जब वो आवाज़ सुने, पहली बार ये आवाज़ सुने थे हाथी, तो उसकी वजह से डर रहे थे। तो काफ़ी उनके लिए मेहनत किया गया, तो थोड़ा 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 करके वो धीरे धीरे अब सभी हाथी हमारे हैबिचुअल हो गए हैं गैंडे से। First time that the WWF they have introduced rhinoceros in Manas National Park from Pobitola. So that time I was also here, so I got opportunity to give service for protection of the rhinoceros in Manas also. So it is nicely breeding now here. It is a great success. उसी बीच हम लोग को जब पता चला कि गेंडा पिपरासी प्रखंड में है, तो हम लोग वहाँ गए तो गेंडा को पकड़ना फिर थोड़ा वहाँ बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। फिर भी हम लोगों ने साहस और हिम्मत दिखाई, वहाँ पे हम लोगों ने गेंडा का सफल रेस्क्यू किया। ड्यूटी कर समय हमी दिन तो एकदम राति पूरा पहर पड़ी दूँ। हमारी ड्यूटी में जो है पहला काम तो रहता है मॉनिटरिंग करना। ভাল অভিজ্ঞতা মানে যিমান কষ্ট হলেও আমি ৰাতি দিন যিমান পাৰো আমি কষ্ট কৰি আছো আৰু আগলেও কৰি যাম।